अगर आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो, अगर आप अपने लाइफ को एक हेल्थी लाइफ बनाना चाहते हो तो इन 10 आदतों को आप आज ही के आज छोड़ दीजिए। इससे आपकी लाइफ बहुत अच्छा और बेहतरीन हो जाएगी। मैं आज आपको उन 10 आदतों के बारे में ही बताने वाला हूँ। हो सके तो इस वीडियो को आप पूरा देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, शराब पीना। आपने कई ज़्यादा शराब की दुकानों में कभी देखा होगा कि वहाँ पर कितने सारे लोग होते हैं शराब पीने के लिए। और आजकल शराब पीना तो एक आम बात भी हो चुकी है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, इससे आपकी लाइफ भी बर्बाद हो सकती है। शराब एक ऐसी चीज़ है जो एक बार उसकी लत लग गई तो वो आपकी लाइफ बर्बाद करके ही छोड़ेगा। और बहुत ज़्यादा शराब पीने की वजह से आपके ऑर्गन्स भी खराब हो सकते हैं और ये लीवर कैंसर जैसा बीमारी का खतरा भी बन सकता है। इसलिए शराब से जितना हो सके उतना दूरी रहिए। नंबर 2, 7 घंटे से कम सोना। हम सब सोचते हैं कि कम सोने से कुछ नहीं होगा, इससे कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको एक दिन में कम से कम 7 से 8 घंटे का नींद लेना ही चाहिए। अगर आप 7 घंटे से कम नींद लेते हो तो अगले दिन नींद पूरा नहीं होने की वजह से आप थका हुआ और चिड़चिड़ापन महसूस करने लगेंगे और इससे आपकी इम्यून सिस्टम भी कमज़ोर हो जाएगा। इसलिए आप हर दिन 7 से 8 घंटे का नींद लेना शुरू कीजिए। इससे आपकी हेल्थ भी ठीक रहेगी और आपका हर दिन अच्छा भी जाएगा। नंबर 3, नेगेटिव सोचना। बहुत लोग हर वक्त नेगेटिव सोचते रहते हैं, मुझसे ये नहीं होगा, मुझसे वो नहीं होगा, मैं हार गया तो क्या करूं। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने की वजह से ये आपकी भावनाओं पे भी असर पड़ेगी और डर लगना शुरू हो जाएगा। इससे आप डिप्रेशन में चला जाएंगे। इसलिए नेगेटिव थिंक करना आज के आज ही छोड़ दीजिए और हर वक्त पॉजिटिव सोचना शुरू कीजिए। इससे आप लाइफ में भी बहुत आगे बढ़ेंगे। नंबर 4, ईयरफोन से ज़्यादा देर तक म्यूज़िक सुनना। आप सब ने तो ट्रेन में, बस में और कई जगहों पर बहुत लोगों को देखे होंगे कि जो हर वक्त कान में ईयरफोन लगा के गाना सुनते रहते हैं, और ऐसे हम में से भी बहुत लोग हैं। लेकिन यह आदत बहुत बुरा होता है। इससे आपके कान के सुनने की ताकत कम हो सकती है और आपके ब्रेन पर भी असर पड़ सकता है। इसलिए जितना हो सके उतना ईयरफोन कम यूज़ कीजिए। नंबर 5, ज़्यादा देर तक टीवी देखना। ये आदत तो बहुत लोगों को होता है जो 4 से 5 घंटे तक टीवी देखते रहते हैं, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत देर तक बैठ के टीवी देखने की वजह से हमारे अंदर लेजीनेस और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़ जाता है और इससे हार्ट डिजीज का खतरा भी बढ़ सकता है। इसलिए आप ये आदत आज के आज ही छोड़ दीजिए और कुछ बुक्स पढ़ना स्टार्ट कीजिए। नंबर 6, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, सिगरेट स्मोकिंग। हम सब देखते रहते हैं कि टीवी पर वो लोग हर वक्त दिखाते रहते हैं कि धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है, लेकिन मुझे नहीं लगता लोग सुनेंगे भी, क्योंकि आप सब ने तो देखे होंगे कि आजकल छोटे छोटे लड़के भी सिगरेट पीने लगे हैं। धूम्रपान करना एक ऐसी आदत है जो हमें धीरे धीरे हमें अंदर से बर्बाद करता जाता है। इससे आपके ब्लड प्रेशर बढ़ता है और इससे हार्ट अटैक का खतरा भी बढ़ जाता है। इसलिए आप सिगरेट से और उसके धुएं से भी दूर रहिए, क्योंकि उसके धुआं भी आपके लिए खतरा बन सकता है। नंबर 7, बहुत ज़्यादा झूठ बोलना। ये कोई बहुत बड़ी बात भी नहीं है, फिर भी मैं आपको बता दूं, बहुत ज़्यादा झूठ बोलने की वजह से ये आपकी आदत बन जाती है और झूठ बोलने के डर की वजह से आपके अंदर स्ट्रेस लेवल भी बढ़ जाता है। 8, आए हुए प्रॉब्लम से भागना। दुनिया में ऐसे कोई भी आदमी नहीं है जिसे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हो। सबको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होता ही है। हम सब लोगों में से बहुत लोग यही करते हैं, हम आए हुए प्रॉब्लम से भागते रहते हैं। लेकिन हमें कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम भागने से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाते। इसलिए हमें डरे बिना आए हुए प्रॉब्लम्स का सामना करना चाहिए, तभी वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाते हैं। इसलिए आप आज से आए हुए प्रॉब्लम से मत भागिए, बिना डरे ही उनका सामना कीजिए। नंबर 9, बाहर का खाना ज़्यादा खाना। हम सबको पता है कि बाहर का खाना मतलब पिज्ज़ा बर्गर खाना अच्छा नहीं होता, फिर भी हम खाते हैं। बाहर के खाने के अंदर बहुत ज़्यादा प्रिजर्वेटिव और फैट होने की वजह से आपको मधुमेह यानी डायबिटीज़ और कोलेस्ट्रॉल जैसा खतरा भी बन सकता है। अगर आप एक हेल्थी लाइफ चाहते हो तो इन आदतों से जितना हो सके उतना दूरी रहिए। नंबर 10, अपनी सुबह की ब्रेकफास्ट छोड़ना। आप सोच रहे होंगे कि ये कौन सी बड़ी बात है, लेकिन मैं आपको बता दूं, ब्रेकफास्ट हमारे दिन के एक ज़रूरी खाना होता है। इसे छोड़ने की वजह से आपके मेटाबॉलिज्म पे असर पड़ सकता है, इसलिए कभी भी आपके ब्रेकफास्ट मत छोड़िए। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।